हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सीलरेटर सीरीज में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि आज हम लोग 1D मोशन में यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कौन से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बच्चों ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को दी गई है, इस तरीके की प्रॉब्लम जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में मेंस एडवांस और आपके नीट के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती रहती है। तो हम लोगों को बात करना है कि भाई कैसे प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों प्रॉब्लम है क्या अपने पास में। देखिए प्रॉब्लम की पूरी लैंग्वेज आप लोगों को दी गई है, चार ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं। देखना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए कार ए मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 44 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स अनदर कार बी विच इज जस्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सिलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट अगेन। बच्चों प्रॉब्लम अच्छी है, अब आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा कि भाई कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने लेट किया ये कार ए की पोजिशन है और ये हमारे पास में कार बी की पोजिशन है। थोड़ा सा ध्यान से लैंग्वेज को समझ कर तब आप लोगों को चलना पड़ेगा। बच्चों उसने कहा कि जो कार ए है वो 44 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो कार बी है हमारी वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, और कार बी का जो एक्सीलरेशन हम लोगों को दिया है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कंडीशन है बच्चों। एक कार ए है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कार बी है जो इनिशियली रेस्ट में है। बच्चों ये जो कार बी आप लोगों को दिख रही है ना स्टूडेंट, ये इनिशियली रेस्ट में है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मैंने माना कि ये जो सिचुएशन आप लोगों को सामने की तरफ दी है ये सिचुएशन तब है जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है, यानी इनिशियल सिचुएशन हम लोगों को ये दी गई है। बच्चों हम लोगों से कहा कि भाई कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद दोनों कार आपस में अगेन मीट करती हैं। बच्चों दोबारा से दोनों कार आपस में मीट करती है, हम लोगों को बताना है कि कितने टाइम के बाद दोनों कार आपस में मीट करेंगी। देखो स्टूडेंट, मैंने माना आफ्टर टी टाइम, ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है टाइम इक्वल टू जीरो को, और ये लाइन बच्चों रिप्रेजेंट करती है टाइम इज इक्वल टू टी को, यानी आफ्टर टी टाइम कार ए पहुंच जाती है यहां पर बच्चों, और कार बी पहुंच जाती है यहां पर। समझ आ रही है बात? देखो दोनों कार ने अगेन एक दूसरे को मीट किया, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई कितने टाइम के बाद में दोनों ने एक दूसरे को मीट किया। आप ये समझिए कि जब टाइम इक्वल टू जीरो है तब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर में है, और टी टाइम के बाद भी दोनों एक दूसरे के बराबर में हो जाते हैं। कार ए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और कार बी जब टाइम इक्वल टू जीरो है तब रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और इतने एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट करती है। तो देखो वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपने पास में, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा। भाई बेसिक फॉर्मूला अपने पास में डिस्प्लेसमेंट का होता है बच्चों, और वो बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 44, और टाइम की वैल्यू कितनी है टी, क्योंकि जीरो से लेकर यहां तक जाने में टी टाइम लगता है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में हो गई बच्चों, ये हो गई 44 टी, वेलोसिटी 44, यहां से लेकर यहां तक जाने में टी टाइम लगेगा। वेलोसिटी इनटू टाइम ये डिस्प्लेसमेंट अपना कहलाएगा। बच्चों समझ आ रही है बात? अब देखते हैं कि कार बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कार ए का होगा बिल्कुल वही डिस्प्लेसमेंट कार बी का होगा। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसने कहा कि भाई दोबारा कब मीट करेंगे, हमने कहा कि भाई इतना चलने के बाद में दोबारा मीट करेंगे, इतना चलने के बाद दोबारा मीट करेंगे। चलिए देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि रेस्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक बच्चों यू की वैल्यू हो गई है जीरो, टाइम की वैल्यू है टी अपने पास में प्लस हाफ, एक्सिलरेशन है टू, ये हो गया है टी स्क्वायर,
वैल्यू बनी हमारे पास में टी स्क्वायर। आप ये समझिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 44t, सिंपल वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहाँ हमने अप्लाई की मोशन की सेकेंड इक्वेशन को और ये निकला हमारे पास में टी स्क्वायर। ऐसा करेंगे अब इस डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रखेंगे, जैसे ही हम लोग इक्वल रखेंगे वैल्यू बनेगी बच्चों हमारे पास में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 44t, और यहाँ से टी की वैल्यू निकल गई है 44 सेकेंड, यानी आफ्टर 44 सेकेंड, 44 सेकेंड के बाद दोनों कार आपस में मीट करने वाली है बच्चों। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम अच्छी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान काम क्या है, मतलब आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा बच्चों, इनिशियल स्टेप आपको ये लेना होगा कि ये जो लाइन है ये टाइम इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाइन है ये टाइम इक्वल टू टी को रिप्रेजेंट करती है, यानी जीरो पर दोनों ने चलना स्टार्ट किया। कार ए पहले से चल रही है, उसकी वेलोसिटी है 44 मीटर पर सेकेंड, और कार बी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है स्टूडेंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होगा, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बच्चों।